मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर को 153 और सहजनवा के नागरिकों को 12 सड़कों की सौगात वर्चुअल शिलान्यास के माध्यम से दी है। वहीं महापौर सीताराम जायसवाल के कैंप कार्यालय पर सीएम योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम का अलग ही रंग देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही भक्तिमय गीतों के साथ लोगों ने गोरखपुर को मिली इस बड़ी सौगात का जश्न मनाया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार सुनीता सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सफेद चादर है, अच्छे से दिखाइएगा, पीछे पहले देखने का स्थान तैयार करके इसे लगा। आप कितना चल रहा है? क्या देखिए, दो प्लेट छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर का एयरपोर्ट देश के सभी महानगरों से जुड़ा चुका है। आज जिन लोगों को यह विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वही विरोध करते हैं महाराज, और विकास में अड़ंगेबाजी करते रहते हैं। हमें गोरखपुर वासी विकास की ढेर सारी योजनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी है। गोरखपुर की जनता की तरफ से आपने जो प्रवासियों की सेवा की है, एक गोरखपुर में उदाहरण है।
मैंने अपनी आंखों से देखा है। सैकड़ों बसे प्रवासियों को, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, घर तक पहुंचाने के लिए, खाने के लिए, उनकी दवा के लिए जो आपने अभूतपूर्व व्यवस्था किया है, उससे गोरखपुर को आप पर गर्व है, नाज है माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोगों ने सड़कों पर जिस मांगों के, एक सड़क की मांग के लिए सड़कों पर ललायत रहते थे, सड़कों पर बैठते थे, सालों बीत जाते थे, कोई भी आदेश नहीं होता था। लेकिन आप गोरखपुर की नब्ज को जानते हैं, गली गली में आप आवाकिफ हैं। हम लोगों के बिना मांगे आप सब कुछ दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं पुनः इस सारी विकास योजनाओं का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी को देता हूं, जो गोरखपुर पर इतने बड़े हम चाहते हैं कि आप गोरखपुर की जनता ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पुनः भारी बहुमत से अगले चुनाव में फिर आपको मुख्यमंत्री बनाएगी और गोरखपुर का नाम रोशन होगा महाराज जी। इस सब के साथ महाराज जी, हम लोगों ने देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पूरी ख्याति है, पूरे भारत में मोदी जी योगी जी का नाम ही जनता ले रही है और हम लोग गोरखपुर वासियों को सीना चौड़ा होता है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारे घर का मुख्यमंत्री, हमारे गांव का मुख्यमंत्री, हमारे शहर का मुख्यमंत्री इतना कुछ दिया है जो कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं संज्ञान लेकर कार्य करते हैं। एक मांग पर जनप्रतिनिधियों को आपने अपनी आंखों से देखा होगा, पिछले समय में बांस बल्ली पर लगा करके गरीब जनता बिजली ले जाती थी, आपने एक छोटी सी आवाज हमारे जनप्रतिनिधियों ने रखे आपके साथ मीटिंग में, आपने तुरंत पैसा सैंक्शन कर दिया और आज वो तार बदले जा रहे हैं। कितने लोगों की जान की सुरक्षा होगी इसका अंदाजा हम लोग जानते हैं। कितने लोग जो बिजली के गलत कनेक्शन के वजह से, तार लटकने के वजह से घायल होते थे, मृत होते थे, उन पर विराम लगा है। साथ ही साथ 200 करोड़ रुपया गोरखपुर के जेल बाईपास रोड के लिए आपने दिया है, एक गोरखपुर का सीधा चौड़ा होता है। साथ ही साथ आपने अनेक योजनाएं अभी पाइपलाइन में है जिसका आपको उद्घाटन करना है। राप्ती घाट आप जो बना रहे हैं वो गोरखपुर नहीं, भारत के इतिहास में एक अनोखी चीज बनती है, वो पर्यटन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द वो योजना पूरी हो जाए और आप उसका शिलान्यास करेंगे। हम सबको इस बड़ी योजना पर बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। आने वाले समय में आपकी सोच के अनुसार गोरखपुर स्मार्ट सिटी बनने के कगार पर है। हमारा नगर निगम, हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी, हमारे जिला प्रशासन, हमारे पुलिस के अधिकारी मिलजुल करके हम शहर को और भी बेहतर आपके नेतृत्व में बनाएंगे और आपके सम्मान को कभी भी नीचे हम लोग झुकने नहीं देंगे। महाराज जी, आपने देखा होगा कि आपके दिशा निर्देशन में नगर निगम गोरखपुर आज बहुत ही उच्च सफाई के मामले में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचा है और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर शहर को बनाकर आपको एक तोहफा हम लोग आपको समर्पित करें, गोरखपुर का नाम हो, आपका देश दुनिया में सम्मान बढ़े, यही हम लोगों की महाराज जी बहुत ही उम्मीद है। और आपकी कृपा गोरखपुर वासियों को तो रहती ही है, उत्तर प्रदेश के वासियों को रहती है, विशेष कृपा हम लोगों पर यही बनी रहे तो गोरखपुर एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर अग्रसर हो जाएगा और कुछ से भी हम लोगों की यहाँ कमी नहीं रह जाएगी। जनता आपको इस, मैं पुनः कहता हूँ, जनता पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललायत है, तैयार है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के, हिंदू युवा वाहिनी के, संघ के, सब मिल करके पुनः आपको इस कुर्सी पर बैठाएंगे।
आपके 3 साल के कार्यक्रम में 50 साल के कार्यक्रम को पीछे छोड़ा है। 50 अच्छा बहुत बहुत प्रणाम हाथरस की जीत के लिए कांग्रेसों का जो गंदा चेहरा आया है पहले उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। आपकी सत्यता पर अगर इन लोगों ने लाछन लगाया तो पूरी दुनिया के सामने आज ये कांग्रेसियों का चेहरा काला हो गया, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं है मुख्यमंत्री जी आपको। अब जो महाराज जी ऐसे नहीं देखा मुख्यमंत्री जी, तो वो बड़ा त्यागी, अब बड़ा त्यागी और वही खातिर आज पूरा उत्तर प्रदेश पूर्वांचल और हमारे गोरखपुर का इतना विकास नहीं हुआ। महाराज जी आपके कुछ नहीं चाहिए, हम पहले दिन से सबके चिल्लाई ना कि महाराज जी के कुछ ना चाहिए, उनके लाछन लगेगा बर्बाद हो जाएगा, उनके छोड़े के कोशिश करवा भस्म हो जाएगा। आज कांग्रेस भस्म हो गई, हाथरस कांड से पूरी दुनिया में उन लोगों का घिनौना चेहरा बाहर आया है। इन लोग जो दंगे की साजिश किए थे महाराज जी, हम लोग चलाएंगे उत्तर प्रदेश को। अरे यहाँ मुखिया हमारे बैठे हैं पूज्य महाराज जी, गुरु गोरक्षनाथ जी और तारी बड़ा हो, कैसे ना आपसे तो छूने। महाराज जी आज 165 बड़े कामों का निर्माण का शिलान्यास हो रहा है, 100 करोड़ 21 लाख रुपया महाराज जी, और न जाने कितना को आपके वो खुशखबरी दे रही महाराज जी। अब उस वक्त आपके आपके गोरखपुर में महाराज जी जो नाम का सपना था वहाँ 4 शूटिंग हो रही है, इंडस्ट्री वाले शूटिंग करे क्योंकि क्या नहीं है यहाँ पर, 4 गोमेंट बा 6 गोमेंट बा रामगढ़ ताल बा फर्टिलाइजर बा, जहाँ कैमरा रखो स्वर्ग लगता है। प्रदूषण के मामले में पूरा एकदम बम बम कह देना महाराज जी, हम जितना आपकी तारीफ करी हम क्या करिए, सूर्य को बोलते ना सूर्य भगवान को दिया दिखाना है महाराज जी, ऐसे आशीर्वाद देते रहा मतलब हम लोग समझ रहे हो खाली हमसे सेल्फिया खिंचा रहा है। ये पूरा त्रोपुर जनता बोला हारा हारा महादेव, ये खाली मतलब पूरा बम बम है, वो बम बम होगी नहीं सब लोग, हाँ बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, महाराज की भारत माता की, भारत माता की। रसियत का महाराज जी और आपको ये कुछ भी बोलना बेवकूफी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जय हो। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, भारत माता की, पकड़े हरे महादेव। आप जाइए राजघाट में जहाँ पहले बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते थे, कितने लोग व्यवस्था थी अवस्था आज आप बोलते हैं प्रेम पर्यटन केंद्र के रूप में क्षेत्र के एक तस्वीर बदली है। और मुझे लगता है आज की ये परियोजनाएं गोरखपुर के विकास की जो अंतिम एक जोर बचा हुआ था, जिसको लेकर के अक्सर लोगों के मन में थी कि गली मोहल्लों की सड़कें नहीं बन पा रही, उन सड़कों को बनाने के क्रम में आज हम एक साथ इतनी ढेर सारी सड़कों को 175 सड़कों को जो महानगर के सभी वार्डों के साथ ही हमारा प्रयास है, बहुत सारी सड़कों को हम पहले दे चुके हैं, सड़कों को देने के साथ ही सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा। मंत्री जी ने गोरखपुर में 153 सड़क और नाली का शिलान्यास किया है, 100 करोड़ रुपया आ चुका है, इसका टेंडर हो चुका है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य करा करके बरसात में जो रोड खाली हुआ है खराब हुआ है जनता को राहत मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये काम किया है। बांस बल्ली पर बहुत दूर दराज के इलाकों में लोग बिजली जलाते थे, उसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले करके उसको बदलने का भी अभियान शुरू कर दिया है, उसका भी पैसा मुक्त हो चुका है, जल्दी ही पूरा शहर बांस बल्ली से मुक्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में 3 वर्षों में
उतने काम हुए हैं जो 50 साल में नहीं हो पाए। इसमें मुख्य रूप से है फर्टिलाइजर, एम्स, चिड़ियाघर, रामगढ़ताल का सुंदरीकरण, गोरखपुर को जोड़ने वाले सभी मार्गों का चौड़ीकरण का कार्य नए गोरखपुर की तस्वीर प्रस्तुत करता है। गोरखपुर के एयरपोर्ट देश के सभी महानगरों से जुड़ा हुआ है। आज दिन लोगों को विकास कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा है, विकास से पूरी जनता प्रभावित है, गोरखपुर की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास गोरखपुर का हुआ है वो कहीं का नहीं हुआ है। आप रिकॉर्ड देख लें 50 साल का मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में जो काम करके दिखाया है, आगे आने वाली पीढ़ी याद करेगी और गोरखपुर एक पर्यटन हब बनेगा।